फिर कहते हैं भाई टेस्ट तो बहुत आता है दाल का, बिना धो खाओगे तो केमिकल का टेस्ट आएगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका आज हमारे नए ब्लॉग में। तो आज हम सुबह से गए हुए थे जॉब पे, तो जॉब से हम आ गए थे 2 बजे और फिर हम सत्संग में चले गए थे और अब मैं आया हूँ घर पे। और घर पे अब हमें बनानी पड़ेगी सब्जी, तो आज हम बनाएंगे सब्जी। तो भाई सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टमाटर, ये टमाटर को क्या हो गया तो टमाटर, दाल और फिर ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये नमक, नमक मिर्च मसाला, और ये रहा हमारा पैन जिसमें हम तड़का लगाएंगे। इसमें हम अब दाल भिगो देते हैं फटाफट। आज हमारे मूंगी धोई की दाल, मेरे को तो मूंगी पता, धोई पता नहीं क्या होता है। एक रोल पहले इसको धोएंगे दाल को, तो मैं आपको दिखाऊंगा दाल को धोना क्यों जरूरी होता है। अभी देखना है इसमें कितने केमिकल निकलेंगे। लाल दाल या अद्दी, चलो तो भाई टाइम हो चुका है 6:15 है, 6:30 तक सब्जी बना देंगे, रोटी बना देंगे। लेट्स गो। खुदाल दूसरा हाथ इस्तेमाल करता हूँ भाई, हाथ धोया हुआ मेरा। अब देखना देखना केमिकल देखना कितना निकलेगा इसमें। ये देखो देखना कितना रंग छूट गया। फिर कहते हैं भाई टेस्ट तो बहुत आता है दाल का, बिना धो खाओगे तो केमिकल का टेस्ट आएगा। ये दाल रख दिया अब उबालने को, अब करते हैं अपना तड़का का काम स्टार्ट। यहाँ गए टमाटर हमारे, अब जाएंगे इसमें प्याज, इतना बड़ा प्याज एक ही बहुत है। हरी मिर्चें, भाई ये भुने जा रहे हैं हमारे प्याज, अब इसमें जाएगा मसाला, फिर जाएंगे टमाटर। ये जगह सही मिल गई मेरे को जहाँ मैंने कैमरा रखा हुआ अपना, देखो दोनों हाथ यहाँ पे कैमरा ऊपर पड़ा है। चलो भाई पानी तो सूख गया इसका, अब जाएगा इसमें मसाला, हल्दी 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच हल्दी, ये पता नहीं मेरे को क्या है, थोड़ी सी मिर्च बस। ओ नमक तो भूल ही गया था मैं, 1 चम्मच नमक में जीरा मिक्स कर रखा है। बहुत है इतना नमक। अब जाएंगे इसमें टमाटर, लो जी स्टार्ट। तो इसमें तड़का मिक्स हो चुका है, खिचड़ी बन चुकी है हमारी, दाल बना रहे थे खिचड़ी बन गई पंजाबी में बोल के देखो मैं। ये रोटी तो अभी हमारी रोटी बन रही है, अब इसको कैसे बोल रहे हैं, ये हम साड़ी रोटी जल गई है, जल गई है, जल गई है, अच्छा साड़ी गई है, जल गई है, ये चांग गया तो काटते वो गया और ना ये हो गई हम बैठे हमारी पंजाबी वाली इंग्लिश। चलो ये हम साड़ी रोटी बन गई है, हुण असां दाल खानी है,
मैं से नहीं बोल जाती पंजाबी। चलो कैसे मैं पूछ रहा हूँ अभी दाल का खास पे पेस्ट शेयर कर दूंगा। ये तो मुझे नहीं बताना। बताओ आपको कैसी लगी? मुझे ठीक ठीक है, मेरे को इतने नहीं मजे की। क्यों 10 में से कितने नंबर दूंगे? मैंने आपको 10 में से 7 दिए थे। तो अभी वो कंपटीशन थोड़ी है। चलो आप दो कंपटीशन के हिसाब से। तो नंबर में दे सकते हो, उसका रीजन पता क्या? मैं तो रीजंस भी देती हूं। बताओ रीजन। मुझे लगता है घुल ज्यादा गई है, मतलब टेस्ट ऐसे हो गया कि बिल्कुल घुल सी गई है, मतलब टेस्ट ऐसा निकल के टेस्ट बाहर आ नहीं रहा इसका। अच्छा, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ा सा तड़का बेटर हो सकता था, दैट्स अबाउट इट। अदरवाइज तो ठीक बनी, नॉर्मल जैसे होती है। और अभी मुझे क्या लगता है इसके बारे में? आपने आपने इसमें कुछ मिक्स किया था आप? हाँ, बाकी स्पेशल रखती कसर मैंने स्पेशल सॉल्ट की जगह मैंने शुगर डाल दिया, थोड़ा उसमें कसर कर दी आपने, जैसे उसमें आटा डाला था। ताकि जो मुझे जो लगता है, मुझे जो लगता है सुबह ये दाल में आटा भूला गया ना, तो ये नहीं नहीं कल कल खत्म हो जाएगी ये। देख भैया आए थे मेरी वीडियो में, देखा था आपने? ऐसे ऐसे भैया ने ऐसे किया था मतलब। भैया अपने फोन में व्यस्त है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा रिव्यू तो चल मैं खा बायस होगा। क्या चीज तूने बनाई है? बायस होगा? नहीं नहीं बायस क्या, आगे देख लेते हैं। ओना भी आजकल पूछ लिया बहन कैसे गए हैं तब की ना रे माता दे। मैं कल फोन किया था सुनो चखिए नहीं। हां सही नहीं बैठे कल मैं फोन किया था सी कोई फिर अपना क्लास स्टार्ट होना। सच में नहीं सही बनी? नहीं है ना? ठीक ठीक नहीं बनी, ठीक ठीक है, खाई जा सकती है। पहले ही जब ये आटा खत्म कर देंगे फिर घूम लेंगे। क्रोध की मात्रा आप क्यों बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो इसमें? तो आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।